हेलो भाई, मैं हूँ शोरू। आज मेरे पास में है सिट्रोइन C3। ये भाई 7.5 लाख रुपए इसका जो मॉडल है भाई, ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है भाई एक्स शोरूम प्राइस से। आज ना भाई इसके सारे ऐसे मतलब बेकार चीज आपको बताने वाला हूँ सिट्रोइन C3 की, जो भाई आपको कहीं देखने को मिलती नहीं यार। मैं अपनी पर्सनली ओपिनियन से बता रहा हूँ जो भाई है, जो मेरे को लगी। सबसे पहले भाई बात करते गाड़ी के इंटीरियर से, जैसे मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी है। भाई क्लस्टर देखो, मतलब यार एक ई रिक्शा का जो अपना आता है क्लस्टर, वो भी इससे काफी अच्छा मिलता है। इसका क्लस्टर तो देखो यार, यहाँ देखना कैसा अपना देखा पूरा, देखो भाई एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही, कितना छोटा व्हीकल लेके चल रहे हैं भाई। 8.5 लाख रुपए ना इसकी टॉप मॉडल की मतलब प्राइस चली जाती है। अगर आप दिल्ली में अगर आप देखते हो भाई, यहाँ पे देखो ठीक है, लुक अच्छी मिल जाती है इसमें। अगर आप देखते हो एसी वेंट के कंट्रोल, एसी वेंट्स का डिजाइनिंग अगर आप देखते हो, एयरबैग वगैरह देख रहे, लेकिन गाड़ी 0 स्टार रेटेड आपको देखने को मिलती है भाई, ये एकदम 0 स्टार रेटेड। शेयरिंग की अगर बात करते हैं, ये देखो ये भाई क्या है ये, अगर कोई आदमी अपनी नई गाड़ी लेने आ रहा हो, देखता है कि हाँ भैया एडजस्टेबल है नहीं है, ये एकदम पड़ेगा। देखो एकदम कैसे पड़ रहा है यार, ये गलत बात मिलती है एकदम नई सिट्रोइन की। दूसरी चीज भाई, अगर आप इसका ये गियर नॉब देखते हो ना, यहाँ पे इसकी आप डिजाइनिंग देखो, टिल्ट कर दिखा दो फोन को, ये देखो ये पूरा आर पार अपना देखो, और गियर नॉब अगर आप देखोगे भाई, ये देखो ये कितना प्ले है, ये देखो इतना प्ले थोड़ी होना चाहिए भाई नई की नई गाड़ी में, इतना गियर नॉब में अगर प्ले आ रहा तो प्रॉब्लम है भाई। और भाई हैंड ब्रेक देख लो भाई, एक चीज मेरे को बहुत अजीब लगी, ठीक है चलो भाई फ्रंट अपने दोनों पावर विंडो का कंट्रोल दे दे, लेकिन पीछे वालों के भी यहाँ होने चाहिए थे। अगर भाई ड्राइवर का अगर कोई नया नया अगर इस गाड़ी में बैठा ना, और पिछले अगर शीशे खुले हैं अगर ऊपर कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे, थार वाला काम कर दे एकदम बिल्कुल। थार में ये अपने फ्रंट के देखा चलो उसमें चलता है, लेकिन ये गाड़ी भाई अगर फ्रेंच की है ना, तो ये चीज थोड़ी अजीब लगती है। अभी ना हमारे एक भाई, एक बार उसको ना बैठ के दिखाता हूँ भाई अपने कैसे बैठते, और उसके बाद ना एक बार की देख लो गाड़ी की, ये भाई की आती है, मतलब भाई मारुति को इतना टोका जाता था इस की के ऊपर, लेकिन अब तो सिट्रोइन वालों ने भी ऐसी ही की बनानी स्टार्ट कर दी। अरे भाई बैठ के दिखाएगा इसमें, इस भाई की हाइट अपनी 6 फीट 1 इंच है भाई अपनी हाइट। भाई ये बताओ गाड़ी कैसी लग रही है, जिसे कहते हैं कवाड़, फ्रेंच कवाड़। भाई ये बताओ, ये स्पेस वगैरह जैसे मिलती है ठीक है भाई, ये बताओ मैं अगर इसमें बैठा हूँ और मैं शहर में बैठूंगा ना, मेरे को शहर में ज्यादा मतलब वो खुलापन फील होगा, मतलब सफोकेशन हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ना पूरा ही एक तो ब्लैक इंटीरियर हो गया, ऊपर से घुटन सी लगती है डिजाइनिंग। डैशबोर्ड का डिजाइन है ना ऐसा कुछ बना रहा सिट्रोइन के अंदर बैठ के ना उल्टी सी फील हो रही है, मैं खुद गाड़ी में गेट खोल के बैठा, मैं गेट बंद नहीं कर पा रहा, खुद देख लो भाई ये यार दिक्कत इनमें आती है। और 3 सिलेंडर इंजन तो आपको दिखाऊं भाई एक बार इसका, यहाँ से देखो इतना टाइट इसका इंजन का ये खुलता है, यहाँ से अगर इसका इंजन देखते हो ना भाई, ये अपना यहाँ से बताऊँ आपको ऐसे करके इंजन खोल दोगे भाई, ये देखो भाई 1 सेकंड यार, मैं मान ले मारुति ओनर हूँ, हुंडई ओनर हूँ, मैं चाहूँ तो उसके घर में हुड खोलूंगा एक बार, तो देखना अगर मैंने पहली बार कोई फ्रेंच गाड़ी ली, सिट्रोइन की गाड़ी ली, मान लो मैं गाड़ी की खराब होगी, मैं चला इसका वो बोनट खोलने, यहाँ नहीं है ये जो लोगो डिजाइन है भाई ऐसे क्यों बनाया, मतलब यहाँ अगर बीच में करूंगा तो यहाँ भी नहीं है भाई, मतलब पूरा इधर छुपा के कोने में छोटा सा पीले रंग का दे रखा भाई, अगर कोई मेरे को खुद 10 मिनट लगे समझने में, कहाँ है लीवर इसका, ऐसे करके भाई फिर ऐसे खोलना पड़ता है इसका। और इंजन भाई 3 सिलेंडर मिलता है, इतना ज्यादा रफ इंजन मिलता है भाई, पावर तो है ही नहीं भाई, इंजन का हेड कवर कहाँ है, हेड कवर कहाँ, ये देख इंजेक्टर खुले छोड़ रखे हैं, खुले छोड़ रहे कुछ ही हो सकता है, वायरिंग देख लो भाई, कोई चूहा वगैरह एक बार गलती से घुसेगा गाड़ी पूरी नाश हो जाएगी। ये देखो भाई नई गाड़ी, और यहाँ पे नई गाड़ी है भाई, यहाँ से देखो ये लीकेज, और ऊपर से यहाँ पे देखो आप इसका ये देख रहे हो इंसुलेशन, यहाँ पे देखो ये भाई कुछ डैम्पिंग, कंपनी से डैम्पिंग हो गया, जो यहाँ से छूटने भी लग गई साइड से अगर आप देखते हो ना भाई, सच में ना चिखा दे। और अगर इसके लाइट की यहाँ पे असेंबली देखो, ये भाई इस साइड की लाइट देखना एक बार, टैग इधर आओ अभी भाई, इस साइड की देखो भाई, वीडियो में पता नहीं लगा लेकिन रियल में जो है ना वो ये है भाई, ये देखो कितनी बज रही है भाई गाड़ी। और इसके ORM देखो भाई, मतलब कोई आदमी इतने लाख रुपए अगर लगा रहा है, फेंडर पे इंडिकेटर मिल रही, लेकिन यार ORM कम से कम ढंग के तो दे दो यार, इस ORM में पूरी गाड़ी कवर भी नहीं हो पाती ढंग से। और ऊपर से आपको दिखाऊं यहाँ पे इसका हेडलाइनर तो देखो भाई, हेडलाइनर मारुति को से मिक्को का भी बहुत अच्छा मिलता है इसमें हेडलाइनर, इसमें तो ऐसा दे रखा है पीछे रीडिंग लैंप ही नहीं है भाई, पता ना यार क्या ही कर रही है फ्रेंच कंपनी। और भाई रियर स्पेस देख लो, पूरी सीट एक बार पीछे कर लेते हैं, इसकी फिर आपको स्पेस दिखाता हूँ, इधर इधर दिखाओ स्पेस देख लो कितनी है ना आगे बराबर, ये देखो एक बार भाई, ये देखो बिल्ड क्वालिटी, ये सिट्रोइन देती है, ये देती है भाई सिट्रोइन 7.5 लाख रुपए में, 8.5 में मान लो ऑन रोड अगर आप मानते हो तो। बूट स्पेस चलो ठीक है दे रही, लेकिन क्या ये
ये भाई ये पार्ट इतना अजीब लग रहा है, पूरी रफ फिनिश अपनी दे रखी है, यहाँ से भी पूरा रफ फिनिश है भाई। ये जो होते हैं ना थोड़ी शाइनी शाइनी से, थोड़ी सी मतलब पॉलिशिंग सर्विस कुछ भी नहीं भाई, एकदम रफ सर्विस है। देखिए भाई एक बार, क्लीन कोट नहीं मार रखी इन्होंने, बेस कोट अपना कर रखा है गाड़ी पे भाई। क्या मैं पूरी से करवा रहा काम भाई, पता नहीं बहुत ही अजीब काम कर रखा है गाड़ी का। देखना डिग्गी बंद करो, बम्पर ही ले, देखो देखो ये क्या भाई क्या है, नहीं यार एकदम बेकार। और इसके आप ये देख रहे हैं ये जिसकी रूफ रेल्स आते हैं, कभी आप समझ रहे हो कि ये इसपे वजन वगैरह कैरी कर सकते हैं, रूफ रेल भी देख लो, ये देखो ये इसका रूफ रेल का हाल है। मतलब भाई इतना थोड़ी कोई पागल बनाता यार इंडिया में, सही है यार कोई नहीं करता। और बाकी ना नीचे देख लो आप, ग्राउंड क्लियरेंस तो यार इतनी बेकार आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ भैया पीछे देखो स्पेस भाई, एकदम ना मैं आपको सच बताऊं भाई एकदम वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप सिट्रोइन जैसी गाड़ी पे अगर आप इतने लाख रुपए स्पेंड करने की सोच रहे हो, कि अगेन आप देख लो भाई मारुति की भी इससे बहुत अच्छी की है, जो इतना टोकते हैं साइड में सिलेरियो खड़े, सिलेरियो इतनी ज्यादा स्पेसेस आपको मिलते हैं, बाहर से भले ही गाड़ी कितनी अच्छी दिखने में हो लेकिन भाई पावर कहाँ है, थ्री सिलेंडर इंजन है यार, इतना ज्यादा लो पावर आपको इंजन मिलता है कि देख लो यार। नहीं यार भाई मेरे को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है गाड़ी लगी भाई। आप बताना आपके ओपिनियन में गाड़ी कैसी है, या आप अगर इसको ऑन करने की सोच रहे हो तो भाई मैं कह रहा हूँ रहने ही दो यार, इसे अच्छा मारुति की सिलाई ले लो या फिर बिल्ड क्वालिटी से आप टियागो ले सकते हो। बाकी सिट्रोइन जैसी गाड़ी पे भाई मैं तो बिल्कुल भरोसा करता नहीं। और इसकी जो हैंडलिंग है ना, हैंडल अगर इसमें देखो ऑटो रोटेशन तो है ही नहीं, अगर आपने टेढ़ा मोड़ दिया तो टेढ़ा ही रहेगा, ऑटो रोटेशन इसमें है ही नहीं। और बाकी पैडल देख लो, मतलब कुल मिला गया ना यार बहुत ही ज्यादा लूटा जा रहा है एक तरीके से अगर आप देखते हो इंडिया में। भाई मेरे को पर्सनली ये बहुत बेकार लगी सिट्रोइन, आप अगर अपने ओपिनियन बताना भाई। ये थी आज की कुछ ऐसी डिसअपॉइंटिंग इसकी वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।